हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन रनिंग वेबसाइट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे फ्यूल सेल क्या है, फ्यूल सेल के एडवांटेजेस के बारे में, फ्यूल सेल एज अ प्राइमरी बैटरी और फ्यूल फॉर फ्यूल सेल। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्यूल सेल होता क्या है। तो फ्यूल सेल की जब हम लोग बात करते हैं तो फ्यूल सेल हमारा एज ए इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है, इन विच इसमें केमिकल एनर्जी जो होती है वो कन्वेंशनल फ्यूल इज कन्वर्टेड डायरेक्टली एंड इफिशेंटली इन टू द लो वोल्टेज डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिक एनर्जी। यहाँ पर जैसे स्टेटमेंट को अगर आप वैसे देखेंगे तो फ्यूल सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस इन विच जो केमिकल एनर्जी ऑफ कन्वेंशनल फ्यूल इज कन्वर्टेड डायरेक्टली एंड इफिशेंटली इन टू लो वोल्टेज डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिक एनर्जी। वन ऑफ द चीफ एडवांटेजेस ऑफ सच अ डिवाइस इज दैट बिकॉज द कन्वर्जन कैन बी कैरीड आउट आइसोथर्मली एंड द कैन नॉट लिमिटेशंस ऑन एफिशिएंसी डज नॉट अप्लाई। अगर हम इसको बात करते हैं तो ये जो हमारा फ्यूल सेल है जिसको हम लोग बोलते हैं ईंधन सेल, ये एक हमारा विद्युत रासायनिक युक्ति है जो कि ईंधन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। किसमें? केमिकल एनर्जी से सीधे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्जन हो रहा है। और ये जो परिवर्तन है ये एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही होता है जिसमें धनावेश यानी पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन या अन्य किसी अन्य ऑक्सीकारक इसमें क्रिया करते हैं। ईंधन सेल में परंपरागत बैटरियों से इस दृष्टि से भिन्न है कि इनकी रासायनिक अभिक्रिया को चलते हुए बनाए रखने के लिए ईंधन और ऑक्सीजन के अविराम स्रोत आवश्यक होता है। ईंधन सेल तब तक ही विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं जब तक ईंधन और ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित बनी रहे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फ्यूल सेल है हमारे या ईंधन सेल जिनको बोलते हैं, ईंधन सेल तब तक ही विद्युत उत्पादन कर सकते हैं जब तक जो फ्यूल और ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित बनी रहे। यदि वो हम लोग बात करें, यदि प्योर हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल में उप उत्पाद के रूप में ऊष्मा एवं जल का उत्सर्जन करता है। फ्यूल सेल दृष्ट धारा के रूप में विहार उत्पादन करते हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि जो वन ऑफ द चीफ एडवांटेजेस ऑफ सच अ डिवाइस इज दैट बिकॉज ऑफ कन्वर्जन कैन बी कैरीड आउट आइसोथर्मली। आइसोथर्मली यहाँ पर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है एंड द कैन नॉट लिमिटेशन ऑन एफिशिएंसी डज नॉट अप्लाई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्यूल सेल एज अ प्राइमरी बैटरी। फ्यूल सेल एज अ प्राइमरी बैटरी, तो फ्यूल सेल इज ऑफन डिस्क्राइब्ड, जैसे हम यहाँ पे बात किए थे कि प्राइमरी बैटरी इन विच द फ्यूल और ऑक्सीडाइजर आर स्टोर्ड एक्सटर्नल टू द बैटरी एंड फीड टू इट एज नीडेड। और जो फ्यूल सेल जो फ्यूल है वो गैस डिफ्यूज टू द एनोड एंड इट इज ऑक्सीडाइज। तो फ्यूल गैस डिफ्यूजेस थ्रू द एनोड एंड इज ऑक्सीडाइज दस रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन टू द एक्सटर्नल सर्किट एंड द ऑक्सीडाइजर डिफ्यूजेस थ्रू द कैथोड एंड इज रिड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स दैट हैव कम फ्रॉम द एनोड बाय द वे ऑफ एक्सटर्नल सर्किट। आगे हम लोग अगर बात करते हैं तो जो फ्यूल सेल है, फ्यूल सेल इज द डिवाइस दैट की हाँ सर आइए क्या हाल है। तो दैट इज द फ्यूल सेल इज अ डिवाइस दैट कीप्स द फ्यूल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम मिक्सिंग विद द ऑक्सीडाइजर मॉलिक्यूल्स परमिटिंग हाउएवर द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बाय अल्फा मेटालिक पाथ बाय द कंटेनर लोड। फ्यूल सेल और या फ्यूल सेल फ्यूल्स और फॉर फ्यूल सेल्स, तो ऑफ द अवेलेबल फ्यूल्स हाइड्रोजन हैज सो फॉर गिवन द मोस्ट प्रोमिसिंग रिजल्ट। Although cells consuming coal, oil or natural gas would be economically much more useful for the large scale applications.